राज्य के मुख्यमंत्री श्री ठाकुर जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई अब हिमाचल प्रदेश में होगी, देर से होगी, होगी कि नहीं होगी? क्या इनको स्पीकर के पास से भी निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? इनको क्यों आज के बचा के रखा हुआ है? स्पीकर पास से उतारा जाए और उसके बाद इंक्वायरी यूएसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। सुने, विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जगजीवन पाल ने विधानसभा के स्पीकर और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपिन परमार ने जो भ्रष्टाचार किए थे उन सभी मामलों की एसआईटी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, तो विपिन परमार के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि विपिन परमार अपने पद से इस्तीफा दें और सरकार उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल में तो लूट मची है, सुलह में तो भयंकर लूट मची है। विपिन परमार की धर्मपत्नी जो पेशे से टीचर हैं, पिछले 5 सालों में कितनी बार स्कूल गईं? तबादला घोटाला कैसे यहां पर सक्रिय हुआ और एक पैरा टीचर से टीचर बनी एक अध्यापक के पास करोड़ों रुपया कहां से आया, इसकी जांच हो। इस तरह से जगजीवन पाल ने कई गंभीर आरोप विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार पर लगाए।